जनपद में कोरोना पीड़ित लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जनपद रेड जोन में घोषित किया गया है और अनेक स्थान हॉटस्पॉट किए गए हैं, जिसमें पुलिस रात दिन लोगों को कोरोना के प्रति लॉकडाउन में अपने घर में रहने के लिए जागरूक कर रही है, लेकिन लोगों द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जा रहा, जो नियमों का उल्लंघन कर धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए आज नगर के धमेड़ा मोड़ पर TI शौर्य सिंह द्वारा चेक इन अभियान चलाया गया, जिसमें अनेकों लोगों को रोककर घर से बाहर निकलने का कारण पूछा। संतोषजनक जवाब नहीं देने पर लगभग 100 लोगों के वाहन चालान किए गए और अनेक लोगों ने आगे से लॉकडाउन का उल्लंघन न करने की बात कही, जिसमें TI शौर्य सिंह ने लोगों को कोरोना महामारी से बचने के लिए जागरूक किया। वह घर में रह रहे और सुरक्षित रहे, बिना वजह सड़कों पर नहीं घूमे, अत्यंत आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर जाएं। अगर ऐसे पाए जाते हैं तो उनके चालान काटे जाएंगे, मुकदमा दर्ज करके जेल भी भेजा जा सकता है। बुलंदशहर से संवाददाता संजय सैनी की रिपोर्ट। सर, जो लोग ये जैसे कि ये बीमारी चल रही है, इसमें लॉकडाउन लगाया गया है, और जो लोग लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? हम लोग लॉकडाउन का जो उल्लंघन कर रहे हैं, ऐसे लोग उनको समझा रहे हैं और उनका ऐसे MB एक्ट का, अगर वो MB एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, MB एक्ट का वॉयलेशन कर रहे हैं, तो उनका चालान कर रहे हैं। और अगर उनको बताया जा रहा है कि भाई इस बीमारी में अधिक से अधिक सोशल डिस्टेंस का पालन करें और एक मोटरसाइकिल पर एक व्यक्ति बैठ कर चले, अगर कार है, फोर व्हीलर है, तो उसमें एक ड्राइवर के अलावा एक सवारी बैठ कर चले, इसी तरीके से समझाया जा रहा है। और अगर नहीं मानते, बार बार उल्लंघन करें, तो उनका चालान की कार्रवाई की जा रही है। तो अब तक कितने चालान हो गए? करीब हमने इस समय तक 100 चालान कर दिए, 100 चालान कर चुके हैं हम लोग, और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।